ताजा मामला बरेली के थाना क्षेत्र प्रेमनगर से सामने आया, जहां एक महिला को घर वापसी की शर्त हलाला रखी गई, लेकिन महिला ने इस शर्त को नहीं मानते हुए कोर्ट की शरण ली है। तीन तलाक पीड़ित फरहाना का निकाह प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले नावेद से 21 जून 2013 को हुआ था। फरहाना की शादी अपनी क्षमता से ज्यादा दान दहेज देकर की थी, लेकिन शादी के 3 साल होते ही नावेद के परिवार ने फरहाना को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस दौरान फरहाना की एक बेटी हुई। बेटी के होते ही फरहाना की और मुसीबत बढ़ गई। उसके पति ने अपनी मां के कहने पर सऊदी अरब से उसे तलाक दे दिया, लेकिन कभी फरहाना के पति नावेद ने ये बात फरहाना से नहीं तो फोन या फिर पत्र के जरिए की है। इसके बाद उसकी सास ने कहा कि अगर आपने पूर्व पति नावेद के साथ रहना है तो फिर उसके भाई के साथ हलाला करना पड़ेगा, लेकिन फरहाना अपनी सास की शर्त मानने से इनकार कर चुकी है। इसको इन लोगों ने खेल मना लिया है, सिर्फ इसका सहारा लेते हैं और हकीकत में इसका कुछ भी ना कुछ मानते हैं। ये लोग शरीयत के मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि शरीयत के हिसाब से इन्होंने हमें 3 महीने फिर रखा, उस झगड़े के बाद 3 महीने फिर रखा और उसके बाद फिर निकाल दिया यही कहकर, और हमारा मेहर भी नहीं दिया, क्योंकि तलाक के बाद तो मेहर सबसे पहले दे देना चाहिए। प्रताड़ित भी करते थे? जी, प्रताड़ित भी करते थे।